तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो, स्वागत है आप सबका फिर से एक और हमारे यूट्यूब चैनल साहिल कायला ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज हम आए हैं ना, तो यार मेरे को ना इनकम टैक्स में काम था यार। मेरा पैन कार्ड का बहुत ज़्यादा इश्यू चल रहा है, मेरा पैन कार्ड ही नहीं बन पा रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं। तो यार एक्चुअली ना वो बोल रहे हैं कि आपका अप्लाई कर दिया है, तो अभी इनकम टैक्स में बोल रहे थे कि वहाँ पर जाके पता करो, थोड़ी देर के बाद चलते हैं वहाँ पर, फिर थोड़ा घूम लेते हैं, यहाँ पर कुछ खा भी लेते हैं। यार सुबह से रेल बन रही है, तो पहले मैं अंब में पागल हुआ, तो अभी उन्ना आया हूँ, तो देखते हैं भाई आज काम हो जाता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो मैं उन्ना में पहुँच चुका हूँ, तो भाई चेक करो, इस साइड है पुराना जो वो था ना बस स्टैंड। तो मेरा जो उन्ना का ब्लॉग था वो काफ़ी हिट गया था, 19,000 पर नहीं इतने कुछ व्यूज़ आपने दे दिए थे, जो कि उन्ना का बस स्टैंड जो नया था उसका ब्लॉग बनाया था, तब सभी चौंक के देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। अभी आप देख सकते हो ये चौंक है जो उन्ना का मेन चौंक है, बाकी ये था पुराना बस स्टैंड जो कि पुराना था। अभी आप देख सकते हो इसका हाल, और ये महतपुर वाला रोड है, और ये जो सीधा जा रहा है ना गाइस, ये अंब वाला रोड। चलो यार कुछ खा लेते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो अभी आप देख सकते हो ये अंकल के पास मैं कुलचे खाने के लिए खड़ा हो गया था, भाई इतने टेस्टी बने हुए हैं कि मैं तीन रगड़ गया देखते देखते। अंकल जी बहुत ही अच्छे बने हुए हैं आपके। अंकल जी रहते कहाँ पे हो? ए इस जगह का नाम क्या है? वार्ड नंबर 3 गलुआ मोहल्ला। अच्छा वार्ड नंबर 3 गलुआ मोहल्ला। आई थिंक आपने भी कभी खाए होंगे इनके, तो ये काफ़ी टेस्टी बनाते हैं यहाँ पे, मेरे को नहीं पता अब यही थे पहले भी। अंकल जी आप कब से हो यहाँ पे? 25 साल। 25 साल, ओ माय गॉड। तो मैं पहले भी आपके खा के गया था एक बार, बड़ी पहले, तो आपके कुलचे बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो दोस्तों अभी कुलचे वगैरह खा के मैं हो चुका हूँ फ्री। तो अंकल जी यार मतलब क्या बोलूँ आपके लिए, कोई शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब यार ओपी वाला फील दिलवा दिया आपने मेरे को। तो अंकल जी का यार ये नंबर है, तो कुछ मैं आपको बैक कैमरे से बताता हूँ, हम तो क्या ही बता सकते हैं इनके बारे में, वैसे ही फेमस है ये। तो देखो ऐसा कुछ इनका वो है, देख सकते हो आप। उन्ना आए होंगे तो यार आप जरूर एक आधी बार तो यहाँ पे आए होंगे, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे आया हूँ पहले भी। तो अंकल बोल रहे हैं 25 साल हो गए इनको यहाँ पे। तो अंकल चलो ठीक है जी, ठीक है जी, फिर मिलेंगे कभी चलते चलते, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा यार इशू चल रहा है पैन कार्ड का, इसलिए थोड़ा आ गया उन्ना में। तो आज आपको उन्ना का अच्छे से ब्लॉग बना के बताऊँगा। सकते हो कि मेरे पीछे ये है भाई जो उन्ना का पुराना बस स्टैंड था। तो आप देख सकते हो कि पहले और अब मेरी वीडियोस में, पहले और अब अगर आपको थोड़ा भी अंतर नजर आए ना, तो भाई सपोर्ट करना भाई। उन्ना डिस्ट्रिक्ट में भाई इस चीज का क्रेज नहीं था, बट हम उन्ना डिस्ट्रिक्ट में भी इस चीज का क्रेज पैदा कर देंगे। तो होंगे भाई वैसे, बट यहाँ पे तो होंगे भाई, उन्ना में तो क्रेज है, बट मेरे को तो अभी तक कोई उन्ना का इतना नहीं था। बाकी जो भी जिनको भी मैं जानता हूँ मैं आपको बताता रहता हूँ, तो उनके साथ भी ब्लॉग्स मेरे आते रहते हैं। तो चलो भाई इनकम टैक्स अपने जो मेन मंजिल है जहाँ पे आए हुए हैं, तो उधर चलते हैं बिना देरी के। तो जाते टाइम भाई मैं आपको उन्ना का न्यू बस स्टैंड भी बताऊँगा अगर मेरे पास टाइम होगा तो। देखो आप कभी भी इनकम टैक्स ऑफिस आपको आना हो तो भाई ये है, मैं परेशान हुआ हूँ, मैं तो भाई गूगल मतलब उसको मैप के थ्रू यहाँ पे आया हूँ, बट किसी को इतनी नॉलेज नहीं थी कि इनकम टैक्स ऑफिस कहाँ पे है। बट देखना ये है कि मेरा आज काम बन पाता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो ये है इनकम टैक्स का ऑफिस। भाई हम मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, तो इतना खर्चा बार बार नहीं किया जाता, ठीक है। आज काम हो जाए तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, मैं आगे अपना काम कोई और करूँगा फिर,
तो देखते हैं क्या बनता है यार आज। तो दोस्तों अभी बात वगैरह करके मैं निकल चुका हूँ बाहर, बट जो यार इनका मतलब बोलने का लहजा था ना, तो यार वो ओसम मतलब ओपी था। तो इनकम टैक्स वाले जो मैम थे तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे को गाइड किया कि कैसे कैसे अपना काम कराओ। देख सकते हो कि ऐसा उन्ना हमारा जो बस स्टैंड है, आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार किया था ब्लॉग को, तो मैं आपका कभी शुक्रिया अदा मतलब भूल नहीं सकता यार, क्योंकि ये मतलब फर्स्ट वीडियो मेरी रैंक हुई थी उन्ना मतलब जो कि बस स्टैंड की हुई थी। तो आपको ऐसा देखो भाई, ओपी आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार किया था इस ब्लॉग को, तो मैं आपका कैसे यार शुक्रिया अदा भूल सकता हूँ। देखो भाई अभी तक मेरे को नहीं पता क्या नया बना है क्या नहीं भाई, बट देखो आपके सामने ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ है भाई। तो अभी दोस्तों मेरे को शाम हो चुकी है उन्ना में ही, तो आज का पूरा दिन मेरा मतलब कि पहले अंब उसके बाद उन्ना आया था, तो यार थक चुका हूँ पूरा। तो अभी चलते हैं घर को, और मेरे को इनकम टैक्स वाले मैम थे वहाँ पे बैठे हुए, उन्होंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि कैसे कैसे आपका काम होगा, तो उन्होंने मेरी डिटेल वगैरह पूरी ले ली है, बोलते कि आपको फ़ोन कर देंगे जैसे आपका काम बनेगा पैन कार्ड का। तो आप देख सकते हो ऐसा नज़ारा है उन्ना से अंब जाते हुए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आप ये देखो अपनी हिमाचल पुलिस, तो सल्यूट है इनको। इतने ज़्यादा टाइम के बाद जो कि बारिश है वो गिरना स्टार्ट हो चुकी है। आप पैन कार्ड का मेरा काम बहुत बुरा फंस चुका है। जाना पड़ा था उन्ना, तो भाई कल क्या यार परसों जाना पड़ा था, तो काम तो बन गया भाई अब जहाँ पे ही। तो चलो फिर फटाफट पैन कार्ड निकलवाते हैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यस, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मौसम चेक करो भाई। अभी दोस्तों मेरा पैन कार्ड का काम हो चुका है, अभी सामान वगैरह लेते हैं, चलते हैं सीधा घर को। तो फिर तो दोस्तों अभी काम वगैरह करवा के मेरा जो पैन कार्ड था फाइनली वो मतलब कि अप्लाई हो चुका है, मतलब लोकली हमारे अंब में ही हुआ है अभी अप्लाई। तो ये सबसे अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को भागना नहीं पड़ा, मतलब कि यार मतलब इतने दिन से मैं पागल हो रहा था क्योंकि मेरा पैन कार्ड नहीं बन रहा था। तो यार फाइनली मेरा पैन कार्ड अप्लाई कर दिया मैंने, और बाकी घर वालों ने भी सामान मंगाया था खाने पीने का, और घर में मतलब कलर वगैरह थोड़ा खिड़कियों को कलर वगैरह कर रहे हैं, तो उसका भी काम लगाया है। तो मैं सामान मतलब ले लिया अभी, तो सारा मेरा मतलब हमारा काम आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है बच्चे वगैरह। तो चलो खा देते हैं फटाफट, फिर चलते हैं, बाकी आगे जाके आपको बताते हैं कि क्या होता है आज। तो दोस्तों देख सकते हो कि हमारी थाली लग चुकी है हमारी, मैं जल गया, मैं ओ जल गया जल गया जल गया भाई। नींबू चक्या नींबू तो चलो फटाफट खाते हैं फिर चलते हैं। अभी भाई शाम हो चुकी है, और यहाँ पे भी अभी सामान लिया मैंने, पनीर वगैरह, तो
बाकी सब्जी वगैरह आगे जाके लेंगे घर वाली साइड पर मिलता है। तो ये मेन आंदा है, आप देख सकते हो पीछे कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। अच्छी बात है यार, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद बारिश हुई है यहाँ। तो ऐसा कुछ आज का हमारा ब्लॉग था, फर्स्ट टाइम मेरे को न जाना पड़ा था। तो आपने ब्लॉग में देखा ही है सारा क्या हुआ क्या नहीं। तो उसका फाइनली दोस्तों 3 दिन के बाद एक्चुअली मेरा काम हो चुका, पैन कार्ड का अप्लाई कर दिया। तो बीच में संडे पड़ गया था इसलिए ज़रा 3 दिन लगे। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट OP ब्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर।